वालेकुम नाज़रीन, छेवी टीवी में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद समीर, आइए आज की अहम खबर पे डालते हैं एक नजर। चार बजे रात से आके जेसीपी लाके चार आठ दस पुलिस वालों को लाके चार पांच गवर्नमेंट ऑफिसरों को लेके आके घर थोड़े सोए। यहाँ पे लोग घरों में है साहब, घर भी गिरा दे रहे। एक आदमी तो मर जाता था, हमारे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई हमारे को या हमारे को कुछ दिए भी नहीं, कम से कम तोड़ रहे बोल के नोटिस भी नहीं दिए, हमारे को इन्फॉर्मेशन नहीं है। सुबह चार बजे रात से आके पूरा घर गिरा दिए। हमारे घर पे असिस्मेंट है, नोटरी है, 20 साल से हम लोग जमीन खरीदे हुए है, कब्जे पे बैठे हुए है, और बिना इन्फॉर्मेशन के आके ये लोग तोड़ दिए हमारे को, नाजायज सता रहे लोग, और इन लोगों को और इनको पैसे भी होना कहते 5 लाख रुपए साहब, और बिल्कुल बहुत ही सता रहे हमारे रोज आ रहे, और पुलिस वाले भी आ रहे। वीआरओ मॉडम तो दिन में 10 बार आके भी सता रही हमारे को, पैसे दियो नहीं तो ये तोड़ देते वो तोड़ देते। ऑलरेडी हमारे पास पेपर है नो एंट्री के, असिस्मेंट के, सब है हमारे पास में पेपर। चार बजे रात से घर तोड़ दिए बगैर परमिशन के, कोई ऑर्डर नहीं, कुछ नहीं, नोटिस भी नहीं दिए, और हम घर में नहीं दावत में गए तो एक दिन पहले आके ऐसा धनाधन रात रात तोड़ के चले गए। चार बजे रात से गरीब लोग हम लोग मेहनत करके ऑटो चला के करके कमाने वाले, कैसा कमा के करना साहब, अब हमारे कहने कुछ भी नहीं है, दूसरा रास्ता नहीं है हम लोग यहाँ करने के वास्ते, कुछ भी पैसे दे वो दे। अब तक पहलवाना सता रहे थे, अब जो है सो ये हम इन्हें सबिता रेड्डी उन्हें आके ऐसा सता के पूरा घर तोड़ के चले गए साहब। अब हमारे को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, कैसा करना बोलो, गरीब आम को परेशान कर दे रहे, औरतों को परेशान कर दे रहे, आखिर तेलंगाना में कब तक ऐसी करेंगे बोलो। हाँ, अब हम करना क्या, हमारे को वो सब नहीं मालूम है साहब, कहीं भी हमारी जमीन हमारे को देना बना के देना जैसा तोड़े वैसा। हाँ, पैसे नहीं दिए तो घर रातें रात पुलिस वाले आ जा रहे, उन्हें आ जा रही नोटिस में कुछ नहीं क्या नहीं, जब बोले जब आ जा रही, तोड़ के 2 बार तोड़ के चले गई ऐसी बगैर नोटिस के। हम लोग अभी सालों से खरीदे हुए है ना साहब, 20 साल से खरीदे हुए,